पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के होटल में झारखंड की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी जीआरपी के जवान आकाश कुमार को जांच में दोषी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए पटना टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों पटना के गांधी मैदान थाना में युवती के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। वरीय अधिकारियों के आदेश पर जांच करते हुए इस मामले में दोषी जीआरपी जवान आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि गांधी मैदान थाने में शिकायत त्वरित नहीं सुने जाने और पीड़िता के शिकायत को टालने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में जाँच जारी है। जाँच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ज्योति झारखंड के कोडरमा की रहने वाली थी, झुमरी तिलैया की। उनके द्वारा पटना जंक्शन जीआरपी के सिपाही आकाश कुमार के द्वारा गलत काम किया गया था। शादी का झांसा देकर के उनके साथ गलत किया गया था और उस ज्योति को एक दिन एक रात एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल में रखा गया था उक्त सिपाही के द्वारा। और उस ज्योति के बयान के आधार पर गांधी मैदान थाना पुलिस के द्वारा बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज किया गया और हम लोग तुरंत जीआरपी के सिपाही जो थे आकाश कुमार गिरफ्तार किए और उनको दूसरे दिन हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेज दिए। उसमें ये बात स्पष्ट हुई थी कि जीआरपी के सिपाही के द्वारा प्रेम प्रसंग का मामला दिखाते हुए लड़की को झांसे से बुलाया गया था और शादी का झांसा दे करके उसके साथ गलत किया गया था। तो एक पुलिसकर्मी के द्वारा इस तरह का कृत्य बहुत ही घृणित कृत्य था और हम लोगों ने इसमें अविलंब सख्त कार्रवाई करते हुए सिपाही को गिरफ्तार किया और तुरंत उसको न्यायिक अभिरक्षा में करते भेजते हुए जेल भेज दिया। पीड़िता ने तीन अन्य गांधी मैदान थाने के पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए थे। उस मामले में का भी आरोप लगा था। उस मामले में क्या कुछ तैयार करने के लिए थाना के द्वारा भगा दिया गया। हाँ, ये बात भी सही है कि पीड़िता को दो दिनों तक रखा गया था, थाना पर बैठा करके रखा गया था। क्योंकि पीड़िता उस समय अपनी बात को थाना में ढंग से नहीं रख पाई थी, इसलिए उनकी उनको उनके बातों को लेकर के थाना में बैठाया गया था। परंतु जांच के दरमियान ये भी आया है कि थाना के कुछ पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा गलत किया गया, मतलब गलत इन द सेंस की पीड़िता की बातों को तुरंत संज्ञान में नहीं लेते हुए और पीड़िता को दो दिन बैठाया गया था। इसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो जांच के क्रम में सही बात आएगी उस पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि दो रात उसको थाने में रखा गया और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया, सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है। क्या आपने सीसीटीवी का अवलोकन किया है? उसमें क्या कुछ निकल कर आया? ये बात सही है कि पीड़िता दो दिन गांधी मैदान थाने पर रही थी और उस क्रम में थाने के एक दो पदाधिकारी एवं एक पुलिसकर्मी के द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था और उनकी बातों को सही तरीके से नहीं लिया गया था। उस समय सही तरीके से लिया जाता तो फिर पीड़िता को दोबारा नहीं आना पड़ता। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में मैं जाँच कर रहा हूँ और जाँचोपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे पदाधिकारी या कर्मी उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।